जेठ की तपिस का असर आपको इस वक्त दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन डेहरी शहर में राजनीतिक गर्मी बहुत जोरों पर है। जी, हम ताज़ा मामला जो है उसकी बात कर रहे हैं। डेहरी नगर परिषद की चेयरमैन विशाखा सिंह के ऊपर डेहरी से राजद विधायक जो फतेह बहादुर सिंह है, उन्होंने आरोप लगाया है कि गलत प्रमाण पत्र जो है जाति का उन्होंने लगाया और उसके आधार पर वो पद पर काबिज हो गई हैं। अब ऐसे में मामला जब गर्माया तो सोशल मीडिया और अखबारों में ये लगातार सुर्खियां बनी और शहर में पूरी खबर आग की तरह फैली। अब ऐसे में हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने डेहरी शहर की चेयरमैन विशाखा सिंह से खुद जाकर बातचीत की और इन तमाम पहलुओं पर जब उन्होंने जाना तो जो उन्होंने बताया उससे ये स्पष्ट हुआ कि 2017 में भी ऐसे ही मामलों को लेकर कुछ लोकायुक्त के पास लोग गए थे, जो वहाँ जहाँ पर लोकायुक्त ने उन लोगों को फटकार लगाई और विशाखा सिंह के जाति प्रमाण पत्र वाले मामले को क्लीन चिट दी। ऐसे में पूरी बात की जानकारी के लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। हालांकि विशाखा सिंह ने फतेह बहादुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, स्पष्ट कहा कि फतेह बहादुर जो हैं, जो विधायक डेहरी से हैं, वो विकास नहीं चाहते हैं, विकास की राह में रोड़ा बन रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पूरी बातचीत क्या कही, आइए सुनते हैं अनिल कुमार के साथ बातचीत की इस रिपोर्ट को। डेहरी विधायक द्वारा जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया गया, इसके बारे में क्या कहना है? मैं महाराष्ट्र की हूँ, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, उसी आधार पर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ भी डेहरी में बना हुआ है। और जो ये इल्ज़ाम लगा रही हूँ बेबुनियाद है, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग आयुक्त में गए थे, उसमें उन लोग का केस खारिज हुआ है और जो भी मेरे सर्टिफिकेट है वहाँ पर जमा है ही। कुछ लोग इन लोग विकास बाधित करना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा विकास के प्रयत्नशील रहती हूँ और मैं विकास करने में तत्परता रखती हूँ। और जैसे कि 2015 में राज्य सरकार के आदेश में जो नियम थे उसमें कोई भी लड़की का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के जाति से रहेगा, तो उसी आधार पे मेरा जाति प्रमाण पत्र है। तो इन लोग फालतू में विकास बाधित करना चाहते और मैं ये होने नहीं दूंगी। जो भी हम लोग हैं उन लोग राजनीति से प्रेरित होके विकास बाधित कर रहे हैं।